गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी न होने पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गन्ने की होली जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा की थी, जिसमें इस बार भी गन्ने का कोई मूल्य नहीं बढ़ाया गया। गोपाल अग्रवाल हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं सब। गन्ने के जो दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, अब देखिए तीसरा साल चल रहा है और गन्ने के दाम वहीं के वहीं हैं। सरकार से पूछा जाए कि इन 3 वर्षों में किस चीज़ के दाम नहीं बढ़े, हर चीज़ पे महंगाई हुई है और किसान को जो गन्ने की बुवाई करता है या दूसरे काम करता है उसके कृषि से संबंधित बिजली, खाद, पानी, बीज, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं। किसान के घर के खर्चे की बात करें तो वो बढ़ा हुआ है। तो एक किसान वर्ग जो कि हिंदुस्तान को कहा जाता था स्वतंत्रता से पहले से लेकर और अब तक कि किसान इस देश का आधार है, उस आधार को तोड़ने पर ये सरकार लगी हुई है। हमारी मांग है कि गन्ने के दाम स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार जो सरकार स्वीकार कर रही है कि 290 रुपये की लागत आती है, तो लागत के ऊपर 1.5 गुना करके 435 रुपये के दाम, 435 रुपये प्रति कुंटल के दाम गन्ने के न्यूनतम किसानों को भुगतान किया जाए, जिससे किसानों को सर्वाइव करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी मजदूरी निकालने के लिए उनको मिल सके, धन मिल सके।